नमस्कार दोस्तों, एक तरफ है विराट कोहली, दूसरी तरफ है महेंद्र सिंह धोनी। शानदार मैच होने वाला है और इस मैच में मैं हमेशा फंसता हूँ क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है और दोनों के अंदर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, किसको सपोर्ट करूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे उत्सव मौजूद है जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्यन भी आरसीबी को कर रहे हैं, तो थोड़ी सी पार्शियलिटी ना हो इसलिए अब मैं सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उत्सव क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो क्या ही चाहिए यार, मेरे को सबसे बुरा तो कोहली के लिए लग रहा है। आप यार इमोशनल है, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें उनसे इमोशनल थे कि कैप्टनसी से स्टेप डाउन हो रहा, उसके बाद आप मैच भी हार गए, तो मतलब यार अब तो दिल से बुरा लग रहा है मेरे को आरसीबी के लिए कि बस ये आईपीएल जीत जाए और ये वाला मैच भी आरसीबी जीत जाए। तो फुल सपोर्ट है आरसीबी को और आरसीबी डेफिनेटली गोना विन। आर्यन आप बिल्कुल उत्सव, सही यही बात उत्सव, यही बात करेंगे। एक मिनट उत्सव, यही बात आपने केकेआर के अंदर ही बोली थी, आरसीबी श्योर गोना विन इट, श्योर गोना विन इट, और फिर उसके बाद जो हुआ था ना आप जानते हैं। दिक्कत क्यों नहीं है नंबर वन पे तो आ जाएगी, बट वो तो भाई और टीमों को हराओ ना, आरसीबी को क्यों हराना है यार। मैं खुद भी भाई सीएसके को सपोर्ट करता हूँ, नो डाउट, बट यार इस बार तो आरसीबी, सीएसके और आरआर को मत हराओ बस, है ना। उसके बाद सीएसके के बेटा आरआर से एक मैच, एक कोलकाता से, मतलब उनको हरा दो, आरसीबी को ना हराओ। देखिए सबसे पहले हेड टू हेड की बात करें तो 15 मैच सीएसके जीती, 8 आरसीबी जीती। और आरसीबी का मैं आपको याद दे रहा हूँ 2021 यार, मतलब जो फर्स्ट लेग आईपीएल हुआ था उसके अंदर, आज ने कुछ कुछ याद है क्या आपको? हर्षल पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रविंद्र जडेजा, कुछ याद है आपको? एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा ने भाई पूरा गेम पलट दिया और बॉलिंग में भी एबी डिविलियर्स का मैक्सवेल का विकेट लिया था। अरे मुझे लग रहा है ये मैच भी सीएसके जीतने वाली है, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पूरे साल, इस साल पूरे पॉजिटिव के साथ वही है। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करें सीएसके की, तो आपको बस एक इंजर्ड हुआ था, अंबाती रायडू, जो अभी सोर्सेज के मुताबिक और बहुत लोग करेंगे फिट हैं, लेकिन फिर भी अगर सीएसके चाहे उनको रेस्ट देना कि यार आप एक गेम के लिए रेस्ट कर लीजिए, तो उनकी जगह मुझे लग रहा है रॉबिन उथप्पा आ सकता है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। उत्सव आपके देखते हैं उनका रिप्लेसमेंट है, चेतेश्वर पुजारा में से कोई एक ही आ सकता है, या तो रॉबिन उथप्पा या चेतेश्वर पुजारा। देखिए मैं उथप्पा को लाना चाहता हूँ, उथप्पा को नहीं, जगदीशन तो यार सफल नहीं हुए इतना, वो ओपन ही करते हैं तो ओपन के अंदर ही वो बढ़िया रन बनाते हैं। उथप्पा को इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी आते हैं और धोनी एक्सपीरियंस को बैक करते हैं, अपन ने देखा। और जिस तरह से उथप्पा बेंच के अंदर बहुत देर तक बैठे रहे इस साल पूरे, मतलब एक भी मैच उन्होंने खेला नहीं, तो मैं चाहता हूँ एक चांस उनको मिलना चाहिए। एक तरह से इंजरी हुई उनके, तो आप मिडल ऑर्डर के अंदर भी खिला सकते हो, उनको ओपन भी कर लेते हैं वो, आप फैफ को भी नीचे ला सकते हो इसके अंदर। ये भी कि रॉबिन को अगर ओपन ही करना है तो फैफ को भी नंबर 4 पे ला सकते हो और वो खेल सकते हैं नंबर 4 पे भी। उत्सव आपको क्या कहना है, क्या अगर ऐसा कुछ होता है राइडू का तो कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा? देखिए हाँ, मेरे हिसाब से आप एल जगदीशन को भी खिला सकते हैं, लेकिन रॉबिन उथप्पा को जैसे आपने कहा बेंच पे बैठा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इंडियन कोर है अच्छी, तो अंबाती रेड्डी को उनकी जगह ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यार रॉबिन उथप्पा के बल्ले से पता नहीं रनिंग निकलते, राजस्थान रॉयल्स में भी इन्हें मतलब खास कर ऐसे राजस्थान मैं तो चाहता हूँ एक बार चेतेश्वर पुजारा को मौका मिले, बट वो लग नहीं रहा तो नहीं देंगे मौका, देखो मुझे कोई खास लग नहीं रहा सीरियसली मौका मिलने, बट अगर मिले तो एक बार चेतेश्वर पुजारा आ जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई, एक परफॉर्म भी कर जाए तो वो। अभी यार उनकी फॉर्म थोड़ी पता नहीं चल सकती है ना, जिस तरह से चल रही है पुजारा की भी, T20 के अंदर बहुत दिनों बाद वो वापसी करेंगे, देखना पड़ेगा। रिस्क शायद ले सीएसके, वैसे तो राइड होंगे लेकिन मुझे लग रहा है रॉबिन उथप्पा आ सकते हैं। सैम करन अवेलेबल है, अब सैम करन क्वारंटाइन से बाहर आ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं शानदार, तो वो मेन खिलाड़ी है सीएसके के लिए। तो क्या आप हेजलवुड की जगह उनको लाओगे या ब्रावो की जगह लाओगे? मुझे तो लग रहा है हेजलवुड की जगह आएंगे, फिर आपकी जगह बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए फिर 11 तक बैटिंग है इनकी, अगर हेजलवुड की जगह सैम करन आते हैं तो ब्रावो के बाद सैम, फिर दो जने बजे 10 for 11 पूरी बैटिंग। तो मैं चाहूंगा सैम करन शायद से हेजलवुड की जगह आएंगे, क्या लगता है उत्सव आपको? और आ रही है हाँ मतलब आ सकते हैं, बट अब आप बताओ, बोलो बोलो बताओ बताओ। देखो सैम करन देखो मेरे को लग रहा है,
क्योंकि आप देखिए यार सैम करन मतलब यार कितने मैच जिता चुके हैं चेन्नई, मतलब अगर सारी टीम आउट हो जाती सैम करन आखिरी में टिक के यार पारी को तो संभाल जाते हैं, तो जॉश हेजलवुड की जगह उनकी जगह बनती है, बाकी आप और कोई फॉरिनर को हटा नहीं सकते हैं, उनकी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेविन ब्रावो भी 8 बॉल पे 24 रन मारे पिछले मैच में, पर फाफ यार फाफ को तो आप हटाओगे ही नहीं, देखो एक मैच गंदा जाने से क्या हो जाएगा, फाफ को तो आप हटाने की सोच नहीं सकते, तो हेजलवुड की जगह सैफ को तो नहीं हटाएंगे भाई, क्योंकि सैफ तो मेन खिलाड़ी है इनके, जितने ऑरेंज कैप के लिस्ट में नंबर 3 के लिए, तो सैफ को तो नहीं हटाने वाले जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिए पूरे साल। तो सीएसके के प्लेइंग 11 में एक ही बदलाव देखना चाहूंगा, स्पिनर्स इनके पास है मोइन अली का पैकेज है, रविंद्र जडेजा है, सुरेश रैना भी डाल सकते हैं। आरसीबी की 11 की बात करें तो यार आरसीबी को पता नहीं एकदम से क्या, मुझे लग रहा है एक मौसम है ये, कभी सर्दी कभी धूप और एकदम से बारिश, कभी मुरझा जाती क्या होता है इनके साथ, मतलब बढ़िया परफॉर्म करते करते ये ऐसे स्टेज पर आ जाती कि यार पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करती यार ये क्या कर रहे हो आप एकदम से, क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 के अंदर मुझे कोई गलती तो लगी नहीं थी यार, इन ऑफ म्यूट एंड म्यूट करी। देखो यार आरसीबी का जैसे आप कह रहे हो कभी गरजते हैं कभी ये है, बट यार देखो एक बात बोलो सीएसके के खिलाफ अगर आप देखे, सीएसके भी नहीं आप धोनी के खिलाफ भी देख लो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लास्ट ईयर आईपीएल में मैच हुआ था जो फर्स्ट मैच में आरसीबी ने सीएसके को हराया था, उस मैच में कोहली ने बहुत शानदार बैटिंग की, परफॉर्म करते हैं लेकिन हार जाते हैं, परफॉर्म तो करते हैं कोहली बढ़िया रन बनाते हैं बड़े विलियर्स बना देते हैं लेकिन हार जाते हैं, वो सीएसके जीत जाती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो यार सीएसके तो है भाई टीम बढ़िया है यार, सीएसके का तो कुछ कह ही नहीं सकते यार। तो अभी आप किसको डिफेंड कर रहे हैं, आरसीबी को करते हैं सीएसके को करते हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन को चांस दे, देखिए मोहम्मद अजहरुद्दीन नेट्स में बैटिंग करते हुए तो दिखे गए थे रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो आ सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, के एस भरत की जगह आ जाए तो सही है, वो भी विकेट कीपर है, और उसके बाद और कोई चेंज आप देख सकते हैं, हसरंगा को खिलाया था मैं चाहता हूँ, टिम डेविड को अगर खिला देते हैं तो बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन यार वो ये ना कि जो आपके पास एबीडे मैक्सी हैं तो बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत लगती नहीं है, जब ये चलेंगे तो खतरनाक चलेंगे, नहीं चलेंगे तो अब वही है। अरे यार हसरंगा को यार एक मैच तो खिलाया, 2-3 मैच तो खिलाओ बेचारे को, इतना बढ़िया बॉलर है। मुझे पता नहीं क्या भाई, देखो लास्ट ईयर पंजाब में खेलते यूएई में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, अभी भी यूएई में खेल रहे परफॉर्म नहीं करे, तो भाई कि पिचेस से कोई प्रॉब्लम है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मैक्सवेल का भी यार। देखिए अगर प्लेइंग 11 है ना दोनों की प्लेइंग 11 अगर कंपेयर करें ना तो कंपेरेटिवली फिर भी मुझे देखने पर लग रहा है कि सीएसके के अंदर दम है, आप ओपनर्स को कंपेयर करो, चलो ओपनर्स के अंदर फैफ और ऋतुराज तो भाई खतरनाक ही स्पार्क लेके आए हैं, तो ऋतुराज और फैफ को ले लेते, दूसरी तरफ कौन आते ओपन करने, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली तो यार अभी विराट कोहली की क्लब के अंदर डेविड वार्नर भी शामिल हो चुके हैं कल अपन ने देखा था, तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल में देवदत्त और ऋतु का अगर आप कंपेयर करोगे तो देवदत्त ने परफॉर्म तो किया लेकिन वो उतना मैच विनिंग वाला नहीं करा है, तो ऋतुराज के थोड़े हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आरसीबी के खिलाफ पिछले जो मैच हुआ था उसमें परफॉर्म किया था, आरसीबी के खिलाफ ही करा था वो, जब 2020 का भी टाइम था हाँ यूए के अंदर जब भी कराते इन्होंने, तो मुझे लग रहा है ओपनिंग के अंदर फिर भी पलड़ा सीएसके का भारी, मिडल ऑर्डर के अंदर आते तो उनके पास केएस भरत आते हैं, बड़े प्लेयर्स और मैक्सी, अब ये हो जाते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, और उधर मिडल ऑर्डर के अंदर मोइन अली, सुरेश रैना एंड MS धोनी कभी का, और ऊपर आ जाते हैं अंबाती रायडू अगर नहीं होंगे तो रॉबिन उथप्पा आ जाएंगे, तो इसके अंदर देखने पर कंपेरेटिव दिखने पर तो आरसीबी की मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया अगर वो ना धो रहा है तो फिर वो सीएसके का पलड़ा भारी, लेकिन अभी मिडल ऑर्डर मुझे स्ट्रॉन्ग आरसीबी का लग रहा है, लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ आते हैं ना सीएसके का भी, हाँ मिडल ऑर्डर ने कोई खास परफॉर्म नहीं करा था, आप देखो चाहे रायडू को चलो जड़ हो गए थे, सुरेश रैना मोइन अली फैफ सब आउट हो गए थे, वो तो थोड़ा लोअर ऑर्डर है, जो जडेजा लोअर ऑर्डर के उधर से ही आते हैं, जडेजा ब्रावो उन लोगों ने सही रन बना दिए ऋतु के साथ इसलिए रन बन गए, और देखो मिडल ऑर्डर तो सीएसके के भी कोई खास परफॉर्म नहीं करा था लास्ट मैच, लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ आया तो उनके पास केन काइल जेमिसन, केन विलियमसन का काइल जेमिसन, हर्षल पटेल और एक उनके आ जाते हैं हसरंगा, मान लीजिए हसरंगा, तीन हो गए, और सामने आप कंपेयर करोगे तो जडेजा ब्रावो और सैम करन, आप देखिए मिडल ऑर्डर आप लोअर मिडल ऑर्डर किसका स्ट्रॉन्ग लग रहा है भाई, सीएसके का ही लग रहा है जिस तरह से बैटिंग लाइन अप भी, फिर उसके बाद आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनके पास सिराज आ जाते हैं और यूजी चहल आ जाते हैं, और उनके पास रहते हैं दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर, इसके अंदर मैं कहूंगा कि शार्दुल और दीपक की परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, शार्दुल एकदम से विकेट ले लेते हैं बीच में, लॉर्ड शार्दुल और दीपक क्या की नई गेंद से बढ़िया कर सकते हैं, तो प्लेइंग 11 को भी कंपेयर करते तो मुझे सीएसके का पलड़ा भारी लग रहा है, हालांकि मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, बस आरसीबी का बॉलिंग के अंदर उतना इन्होंने दिखाया नहीं अभी तक,
हर्षल पटेल जो पर्पल कैप होल्डर है लेकिन वो भी महंगे साबित हुए थे, तो मुझे लग रहा है सीएसके जीत सकती है भाई। उत्सव आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो मतलब यार फैक्ट्स को देखा जाए तो सीएसके जीतेगी, लेकिन मैं जिताना आरसीबी को चाहता हूं यार, इमोशनली मेरे फीलिंग्स जुड़ गया आरसीबी के साथ भाई। ये देखो अगर आप निशान सही बात बोले ना, अगर आप स्टैट्स देख लो कुछ भी देख लो, स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली सीएसके ही है, पर लग भी रही है यार सीएसके अभी बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया कंडीशन में, कि भाई एक मुंबई के खिलाफ हारा हुआ मैच तो जीत गए थे और आरसीबी बहुत बुरी तरीके से हारी, तो डेफिनेटली चेन्नई का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर है, आरसीबी का बहुत कम है। बट यार देखो इस साल का आईपीएल देखो कुछ भी हो जाए यार, सीरियसली भाई मैं दिल से चाहता हूँ आरसीबी जीते, मतलब ऐसे नहीं आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, बट सीरियसली इस बार का आरसीबी है। मैच भी शारजा में है तो आरसीबी के पास हिटर्स है, मैक्सवेल मार दे ये तो शारजा है, तो भाई शारजा के अंदर है तो आपके जब वो 37 रन जडेजा ने मारे थे जब वो भी कम थे क्या 37 जो हर्षल पटेल पे ठोके थे, तो मुझे लगा धोनी भी बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं जिस तरह से आउट हो गए थे मैच में, पर उनकी एक सोच में था कि भाई वो आक्रामक खेल सकते हैं और आरसीबी वाले मुझे लगता है बहुत बड़े परफॉर्म करेंगे। मैंने जो स्टेफन फ्लेमिंग की बात शानदार है, मैंने स्टेफन फ्लेमिंग से जो बात करी ना वो बेसिकली ये थी, उन्होंने कहा था कि धोनी का जो मेन रोल है वो ये है कि अगर आपके विकेट जल्दी गिर जाते हैं, 3-4 विकेट गिर जाते हैं तो जडेजा से पहले धोनी आएंगे, उन्होंने साफ से बात कही। और उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि मैच बिल्कुल सही स्थिति में आपके 150-160 बन गए और आपके 2-3 विकेट ही गिरे तो जडेजा आएंगे ताकि वो अटैक कर सके और धोनी को इस परिस्थिति के अंदर से भेजते ताकि ज्यादा विकेट ना गिरे और वो रोक के रख सके। साफ स्टेफन फ्लेमिंग जी ने मेरे को बोला तो मैंने बोला बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसको आप किस नजरिए से और अभी आरसीबी का तो डग आउट थोड़ा ऐसे ही गुस्से वाला है तो उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी भी नहीं, वहाँ पे जिस तरह से एबीडी विलियर्स और विराट कोहली तो वैसे ही तनाव के अंदर मुझे लगता है, तो मैंने सोचा उनसे बात करने का क्या फायदा। अरे ना बेसिकली जिताना क्यों चाहते हैं, इमोशंस को साइड में रखते कि इमोशंस की बात है तो फिर तो वो ये कि आप गेल को भी खिला लेते पीबीकेएस पे, इमोशंस की बात है तो आप उसके अंदर तबरेज शमसी को भी खिला लेते आरआर के अंदर, इमोशंस पर हटा दीजिए आप, मैच में इमोशंस ज्यादा नहीं चाहिए होते। तो लॉजिकली क्रिकेट एक्सपर्ट एज अ क्या लगता है यार? देखो मैं सीरियसली यार देखो आरसीबी को ही सपोर्ट करता हूँ, अगर मैंने आपको मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर सीएसके आरसीबी का लीग मैच होगा तो मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगा, बट यार देखो विराट कोहली का लास्ट आईपीएल है एज अ कैप्टन, तो यार मेरे को लगता है एक आईपीएल इस बार भले ही एक आईपीएल जीते बट एज अ कैप्टन वो अपने साथ एक आईपीएल को लेकर जाए। एंड यार देखो अभी अगर सीएसके जैसी टीम को उन्होंने हरा दिया तो उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत ऊपर चला जाएगा, तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूँ एक बार भाई सीएसके से जीत जाए आरसीबी सीरियसली, जो बढ़िया कैसे हराएगी वो, मतलब आपके पास कोई ठोस सबूत है कि हाँ भाई ये है तो हरा सकती सीएसके को आराम से? ऐसे देखा जाए तो प्लेयर्स तो उनके पास कोई प्लेयर्स की कमी नहीं है, चलने पर आ गए एबीडी विलियर्स मैक्सवेल कोहली डेविड पटेल सब अच्छे फॉर्म में है, केकेआर वाले मैच में नहीं चले, बट अगर आप अभी मैं क्या कहूँ यार अभी इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को भी हराया था बहुत बढ़िया तरीके से 10 विकेट से, वही बात है पर राजस्थान की बॉलिंग उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अभी अपनी बॉलिंग मजबूत है सीएसके की, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, सैम करन क्या कह रहा है? देखो राजस्थान की बॉलिंग मजबूत नहीं है यार, या तो वो उत्सव भी जानते हैं, उत्सव भी जानते हैं मजबूत नहीं है भाई, उत्सव खुद जानते हैं कि मजबूत नहीं है, मुस्ताफिजी होते हैं मेन बस, और कोई मजबूत है नहीं उनके पास बॉलिंग के मॉरिस भी है तो कार्तिक त्यागी, तो यार कार्तिक त्यागी तो वो है मतलब है अलग डिपार्टमेंट, वो इंडियन कोर है, मैं आपको आखिरी ओवर के अंदर जीत गई सीएसके, बोल्ड कर दिया था ना, इंडिया में हुआ था वो बात था कि बट लास्ट इससे भी लास्ट ईयर का नहीं, ऋतुराज जायसवाल ने किया, हम बात ही वही नहीं हुआ था लास्ट, यूए के अंदर ऋतुराज ने ठोक दिया था और जीती थी। हां बोलिए। हां तो यार देखो अब लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जब आरसीबी राजस्थान का मैच हुआ था उसमें भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया हुआ था, मतलब उसमें मुझे सीएसके आरसीबी का ऐसा कोई मैच गिनाओ, मुझे सीएसके आरसीबी का गिनाओ मैच, इनका है किसी, राजस्थान तो आएगी नहीं, मैं ये बताऊं लास्ट मैच कौन सा लास्ट कौन सा 2020 में कब जीता है सीएसके आरसीबी का जब पहला मैच हुआ था जिसमें कोहली ने 6 रन बनाए थे 70-80 रन बनाए थे उसमें 70-80 रन बनाए थे पहला मैच हुआ था सेकंड मैच सीएसके जीती थी सुपर गायकवाड ने पहले मैच में कब जीती थी आरसीबी जीती थी जब सीएसके चेज नहीं कर पाई थी हाँ आरसीबी जीती 169 रन बनाए थे
प्रेडिक्शन, मेरी चार प्रेडिक्शन एक ही। सबसे पहले बैटिंग लाइनअप की बात करें तो मुझे लग रहा है फैफ डुप्लेसी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और 42 प्लस रन वो बनाएंगे फैफ डुप्लेसी। और दूसरी प्रेडिक्शन ये कि आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट जो लेंगे वो होंगे हसरंगा, अगर हसरंगा को चांस मिलता है तो। हसरंगा मुझे लग रहा है एक नए डिपार्टमेंट के अंदर विकेट ले सकते हैं। तीसरी प्रेडिक्शन ये कि सीएसके मैच जीतेगी। और चौथी प्रेडिक्शन आखिरी ये सबसे ज़्यादा रन आरसीबी की तरफ, चौथी प्रेडिक्शन ये कि पावर प्ले के अंदर आरसीबी के एक विकेट गिर जाएगा और रन हो जाएंगे 38। ये मेरी प्रेडिक्शन है चार, आप बताइए आर्यन। मुझे लगता है देखो इस बार मैच डेफिनेटली आरसीबी जीतेगी और आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, सीएसके की तरफ से एमएस धोनी सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। एंड अगर पावर प्ले की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार आरसीबी की पहले बैटिंग आएगी और आरसीबी पावर प्ले के अंदर 45 रन के अंदर एक विकेट गिर जाएगा जिसमें देवदत्त पडिक्कल आउट। अच्छा आप बताइए इसको। भाई आरसीबी मैच जीतेगी और पावर प्ले के अंदर थोड़े ज्यादा रन बनेंगे यार शारजा के ग्राउंड में। यार अगर शारजा के ग्राउंड में भी यार 50 रन तो पड़ने चाहिए छह ओवर में यार, जब तो मजा आएगा मैच देखने का। और हाईएस्ट स्कोर रहेंगे आरसीबी के अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स, और सीएसके की बात करें तो अच्छा। और आखिरी के रैप अप के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मैच सीएसके जीत जाएगी देखना, और चेस करते हुए जीत सकती है मुझे ऐसा लग रहा है। अरे सीएसके जीतेगी मैं कह रहा हूँ, कर लेगी आराम से, सीएसके जीतेगी देख ले, देख ले। क्यों नहीं कर पाएगी भाई, क्यों नहीं कर पाएगी? सैम करन ब्रावो है, ब्रावो ने 3-6 मारे थे, ट्रेंट बोल्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए थे, तो आपके हर्षल पटेल क्या चीज है? हर्षल पटेल क्या है मुझे बताओ। दूसरा ऋतुराज फॉर्म में नहीं थे उस वक्त जब वो चेज नहीं करी थी, आखिरी के अंदर आया था उनका फॉर्म कोविड, जब उनको कोविड हुआ तो उसके बाद जब उनको चांस मिला था जब आया था उनका फॉर्म। दूसरा है अभी ऋतुराज फॉर्म में चल रहे, सैम करन इनके मेन खिलाड़ी है, ब्रावो अभी भाई एमआई के खिलाफ 3 छक्के मारिया है, वो एमआई को नानी याद दिलाया, तो आरसीबी क्या चीज है यहाँ पे? ट्रेंट बोल्ट रख के जैसे बॉलर को डेथ बॉलर के अंदर इतना मार दे, तो आरसीबी के अंदर आपके डेथ बॉलर कौन है? सिराज होंगे, हर्षल पटेल होंगे बस, और कौन सा आपके पास मेन? काइल जेमिसन होंगे, जेमिसन का तो मुझे नहीं लग रहा नहीं इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, जेमिसन को शुरुआत के अंदर ही डालते हैं। मुझे नहीं लगता आरसीबी जीत पाएगी, सीएसके मुझे लग रहा है मैच जीत जाएगी और चेस करते हुए जीतेगी ऐसा मैं कहना चाहूंगा। चेस के अंदर आपके पास देखिए बैटिंग पूरी है, शार्दुल भी मैं आपको जीत जाए और कुछ नहीं चाहता। आर्यन आप भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, आप लोग भी पूछने की बात नहीं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा पीली टी शर्ट पहनना सफल हुआ है नहीं, क्या सी एस के मैच जीत सकते हैं? लेकिन मैं तो 100% श्योर हूं, बोलोगे मैंने रेड टी शर्ट नहीं पहन रखी, आप बोलोगे मैंने रेड टी शर्ट नहीं पहन रखी, पर आरसीबी नहीं जीतेगी। देख सकते हैं भाई, क्या पता नहीं जीते तो आप लोग ये तो मान ही जाओगे ना, मैं रेड टी शर्ट पहनता हूँ तो आरसीबी जीतती है, जो पिछले पूरे साल हुआ था पूरा हाफ जो देखा जाए आईपीएल का, जब मैंने रेड टी शर्ट पहनी और आरसीबी जीती थी, और सीएसके के साथ जो था मैंने येलो पहन ली तो वो हार गई। अभी बताया मैंने रेड ही पहनी थी, लेकिन मैंने उस सबको एक ही चीज कहा था कि ये लोग ब्लू टी शर्ट पहनते थे, इससे मुझे लग रहा है नहीं जीत पाएगी क्योंकि मैंने रेड पहनी है, और ऐसा ही हुआ था, ब्लू टी शर्ट पहनी थी, नहीं जीत पाएगी। थोड़ी पहनेंगे इस बार भी शायद, अब रेड टी शर्ट के अंदर आएंगे, रेड में भी हार जाएंगे यार, देख लेना आप। टीम बढ़िया, ऐसा नहीं कह रहा सारे मैच हार गए, इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि सीएसके से हार जाएगी और बढ़िया बाउंस बैक कर लेगी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सीएसके से भी हार जाने दो उसको और सीएसके को टॉप पे पहुंचने दो। और तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर सीधा ही आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताना कि कौन सी टीम जीत सकती है, और सीएसके आरसीबी जिसको भी आप लिखना चाहेंगे कमेंट में लिख देना। और आखिर